फाइनली अभी पहुंच चुके हैं ठेट बिल्कुल लोकेशन पर। तो गाइस यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, आपको यहाँ माला देवी माता जी का मंदिर है, तो काफी प्राचीन है, तो देखो आपको क्या सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए गाइस, काफी मस्त व्यू है, देखो सामने क्या व्यू है भाई, है ना। और सामने सुबह दिखी होगी आपको, जैसे कि अपन चल रहे हैं वहाँ पर, और अभी ना बरसात का मौसम भी हो रहा है, कभी ठंडा मौसम हो रहा है तो इतनी गर्मी लग भी नहीं रही है, और बारिश आ जाए तो भाई क्या व्यू हो जाएगा मस्त वाला। तो गाइस दिखाता हूँ मैं आज आपको कुछ अलग से स्पेशल तरीके से, काफ़ी अलग वाला ब्लॉक होने वाला है ये, बिल्कुल भी इसकी मत करना, काफ़ी रैंडम और काफ़ी नेचुरल लोकेशन होने वाली है। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गाइस यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो मुझे पता नहीं है कैसा व्यू है, लेकिन यहाँ इन लोगों के नेचुरल देखते हुए काफ़ी बड़ा व्यू दिखाया जा रहा है। देखो भाई क्या मस्त सीन है यार, तो गैस गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि पानी का लगा हुआ है, तो पानी पियेंगे उधर से। तो गैस फाइनली अभी पहुँच चुके हैं ठेट बिल्कुल लोकेशन पर, जहाँ पे अपन को आना था माला देवी के मंदिर के यहाँ पे, और काफ़ी मस्त नज़ारा हो रहा है भाई। अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल चुकी है, हालांकि यहाँ पे झरने भी स्टार्ट हुए नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे बरसात इतनी पड़ी नहीं थी इसलिए, लेकिन ना ऊपर एक झरना चल रहा है, तभी आपको चल के दिखाऊंगा मैं कितना झरना चल रहा है कितना नहीं चल रहा, तो अभी अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अपन दोनों भाई यहाँ बैठे हुए बिल्कुल थक चुका है बेचारा, बहुत कमजोरी आ चुकी है इसके अंदर, है ना। ये हमारा भाई विकास, ये बिल्कुल हेल्थी है, ये कमजोर है बंदा, है ना। तो गाइस अभी सामने अपनी मंजिल है, तो आपको वहाँ चलना है ऊपर उस लोकेशन पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आ भी रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आना जाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी चलते हैं गाइस। और एक बार मैं आपका पूरा यहाँ का एक बार 360 में व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या व्यू है क्या नहीं है। तो गाइस अभी अपनी कंटिन्यू अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, और ना सबसे मस्त व्यू अभी ये हो चुका है कि ना बहुत तेज तगड़े धूप निकल चुकी है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, और कुछ इस प्रकार का व्यू है भाई, तो कुछ व्यू तो काफ़ी मस्त है ना, लेकिन बस ये कि धूप पड़ रही है, पीछे पीछे अपने दोनों भाई आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से देखो, और गाइस आपको एक बात बताऊँ मैं कि यहाँ पे ना ये सीन हो चुका है कि यहाँ के पहाड़ है ना वो डस के नीचे आ चुका है, मतलब पूरा गिर चुका है, तो ये पूरा झरना वहाँ से स्टार्ट होता है, ठेठ नीचे तक आता है भाई, तो काफ़ी मस्त व्यू है ना। ये दोनों पता नहीं क्या खोज करने में लगे हुए हैं, ओ चलो भाई, ओ ओ आ जाओ। ये गाइस नई लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि तो यहाँ से ना पूरा व्यू क्लियर दिखता है, तो इसलिए नई नई जगह देखने की कोशिश कर रहे हैं भाई, कहाँ चला जाए, है ना। और काफ़ी मस्त व्यू है यार, मस्त चलते हैं। ओ भाई सामने तो मतलब जो अपन आते जा रहे हैं ना ऊपर, व्यू काफ़ी मस्त होता जा रहा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सामने का व्यू क्या मस्त हो रहा है भाई। तो गाइस देखो यहाँ पे मतलब मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, और ना लोकेशन भी काफ़ी प्राचीन है, देखो कि पहाड़ियों के मतलब दोनों पहाड़ें झुकी हुई थी, उनके बीच में मंदिर है भाई, देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है यहाँ का यार। यहाँ पे बारिश में तो भाई क्या सीन रहता होगा सोचो आप, अभी झरना आ रहा है बट इतना नहीं आ रहा, देखो कितना कम आ रहा है अभी, जब यहाँ पे तेज बारिश हो जाएगी ना तब एक बार आएंगे, फिर दिखाऊंगा मैं आपको क्या व्यू रहता है, देखो व्यू। तो गाइस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपको आगे काफ़ी मस्त मस्त लोकेशन और काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर ने व्यू देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ के काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी राज है, तो अभी आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, पूरी वीडियो देखो एक बार। अभी अपन अंदर चलेंगे मंदिर के अंदर, और इस पहाड़ की भी कुछ खास रहते हैं यहाँ पे, कुछ राज है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो गाइस अभी चलता हूँ मैं आपको ना माता जी के दर्शन कराता हूँ यहाँ पे, जो माता जी का मंदिर है अभी अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस मंदिर
तो गाइस ये है माता जी का मुख्य मंदिर, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखो ठेठ ऊपर पहाड़ है, बीच में माता जी विराजमान है भाई। देखो क्या व्यू है गाइस, कुछ इस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पे मंदिर का, आप देख सकते हैं कि ना क्या क्या लोकेशन है भाई। और यहाँ पर ना ये वाली चीज़ है ना, ये एक सुरंग है, गुफा है, जो ना पता नहीं कहाँ निकलती, लेकिन बहुत बड़ी है ये। या तो इसके अंदर रिस्क लेंगे नहीं। और ना इसके आगे मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ कि ना अल्टीमेट व्यू है भाई ना। देखो गाइस देखो कितना जोरदार व्यू है। और ऊपर आपको जो चीज़ दिख रही है ना वो है चमगादड़। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, जूम करके दिखाता हूँ मैं इस चीज़ को आपको एक बार। तो गए देखो कितनी सारी चमगादड़ है यहाँ पे। देखो भाई कितनी सारी चमगादड़ लगी हुई है यहाँ पे, देखो है ना। सोचो भाई क्या व्यू रहा होगा यहाँ का यार, है ना। देखो कितनी सारी चमगादड़ है यार, ये देखो आप तो सारी चमगादड़ है भाई, इतनी सारी। वो जो सुरंग है ना वो यहाँ से निकलती है, इस जगह से यहाँ से निकल रही है सुरंग। इसके अंदर भी चमगादड़ लगी हुई है ऊपर, तो अपन चलेंगे नहीं अंदर। तो और बाहर का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे रसोई हो रही है, बड़ा मस्त दाल बाटी बन रही है कायदे की। और यहाँ पे देखो क्या व्यू है, कायदे का व्यू है। और सामने देखो ये नज़ारा, आप झरना चल रहा है लेकिन झरना कम है भी यहाँ पे। और यहाँ मंकी भाई बैठे हुए हैं सामने कायदे के। देखो भाई तो बस यहाँ पे ये है एक गुफा है कि पता नहीं कुंड है क्या है, लेकिन देखो इसमें पानी भरा हुआ है भाई, है ना। और वहाँ चमगादड़ लगी हुई है ऊपर, जिसके अंदर तो जाना बहुत रिस्की है भाई। देखो लेकिन पानी भरा हुआ है एक कुंड के अंदर, कुंड है गुफा है पता नहीं है, लेकिन है बहुत ज़ोरदार चीज़ ना। देखो कोई बात नहीं। तो और देखो पूरा मतलब पहाड़ों के बीच में है माता जी का मंदिर। देखो ऊपर पूरा पहाड़ी पहाड़ है, बीच वहाँ पर माता जी का मंदिर है। सोचो आप क्या व्यू है यहाँ का यार। तो गैस आज मौसम भी काफ़ी मस्त है और लोकेशन काफ़ी पुरानी और काफ़ी प्राचीन लोकेशन है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे बंदे बना रहे हैं रसोई। तो आज यहाँ पे मस्त दाल बाटी बना रहे हैं। और देखो साइड में चल रहा है काफ़ी मस्त झरना, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल नेचर पानी आ रहा है, बिल्कुल शुद्ध एकदम। और देखो बंदर मस्त मौज कर रहा है इसके अंदर भाई। और ना इसके यहाँ पर ना काफ़ी मस्त लोकेशन है भाई, कि एकदम रैंडम जगह है यार, ये बिल्कुल हिडन जगह है ना, आपने जगह देखी भी नहीं होगी वाली, वो वाली लोकेशन है ये। और अभी आपको मैं नीचे का व्यू चल के दिखाता हूँ। तो गैस मैं आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे ना सबसे अलग और यूनिक क्या चीज़ है। यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते इतने सारे हैं ना भाई कि गिनना तो नामुमकिन है, क्योंकि हर पहाड़ के नीचे एक मधुमक्खी का छत्ता है, वो भी बहुत बड़ा वाला। मैं दिखाता हूँ देखो आपको एक बार, देखो भाई कितने सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं, है ना। हालांकि उनके ऊपर मधुमक्खी लग नहीं रही है, उनका रस रस है यहाँ पे। और देखो वो एक लगा हुआ है मधुमक्खी का छत्ता, देखो यहाँ पे ये वाला है ना, ये लगा हुआ है यहाँ पे। हालांकि काफ़ी डेंजर भी है, लेकिन ना ये माता जी की माता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, है ना। देखो भाई कितना सारा लगा हुआ है, और एक और लगा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो कितना बड़ा है भाई साहब। ओ भाई कितना बड़ा है यार, देखने में बहुत अजीब लग रहा है। देखो ये दिख गया आपको, देखने में कितना अजीब लग रहा है ना, लेकिन क्या करें भाई, थोड़ा बहुत अजीब ही लग रहा है भाई। छोड़ो मैं आ नहीं दिखा सकता आपको चीज़ अब। और ना यहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि ना, कि जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले पत्थर ऐसा लग रहा है कि आपको भी लग रहा होगा ना कि टूट के नीचे आए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर से कोई पत्थर टूटा है तो नीचे आया है। अभी पता नहीं सही है कि गलत है, क्या सीन है, लेकिन यहाँ पे पत्थर तो टूटा है। देखो ये देखो ये वाला पत्थर लग जाता है, देखो वो दिख भी रहा होगा आपको, देखो है ना टूट के आया हुआ है शायद तक। और अभी
तो गैस अभी यहाँ पे तो अपने साथ एक पिक्चर बन चुकी है, यहाँ पे एक पॉकेट हो चुका है, यहाँ पे इसकी कोई व्यू है नहीं कि अपन नहा सके। यहाँ पे अपन आए थे मैंने इंजॉय करने के लिए, नहाने के लिए, तो यहाँ पे आप पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हल्का हल्का पानी आ रहा है, तो उससे ज़्यादा कुछ मज़ा आने वाला नहीं है। तो अभी ना हमने सोचा है कि यहाँ पे जितना घूमना था घूम लिया, थोड़ी देर बैठे वगैरह, मंदिर देखा आपने, और अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर जहाँ पर भी काफ़ी मस्त झरना या पानी भी है वहाँ पर। वहाँ पर तो हमेशा भरा हुआ रहता है पानी, है ना। पहले ब्लॉग भी डाल रखा है मैंने, उस चीज़ करके मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको वाला ब्लॉग में अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, जिसमें आप देख लेना हम कैसे गए थे, क्या एंजॉय किया, कैसे नहाए, क्या रहा। और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, ऐसा कुछ मज़ा है नहीं यार, है ना। तो अभी चलते हैं गाइस दूसरे वाले जगह पर और दिखाता हूँ मैं आपको क्या वे वहाँ का क्या नहीं है। अभी भाई कर रहा है गाड़ी स्टार्ट, देखो है ना, और ये गाली बिक रहा है धमाधूम से, यह बहुत गाली बिकने लग गया आजकल। ये इसकी शक्ल देखो, अभी ना मासूम दिखता है लेकिन गाली बिकता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो गाइस गाली वाली मत बिका करो आप, है ना। और अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा अपन दूसरी लोकेशन पे फटाफट से, है ना भाई। क्या धूप हो रही है यार लपक के। अभी मैं दिखाता हूँ आप कितना सा पानी भरा हुआ है, अभी कुछ ही मज़ा नहीं आएगा उसमें देखना आपको, मैं खुद को दिखा देता हूँ एक बार से कितना कम पानी है। देखो वो देख रहे हो आप, देख रहे हो गाइस, वो इतना सा पानी है बस, वहाँ पे इतना सा नहाना है बस, ऐसे पानी डाल डाल के, जिसमें कोई मज़ा नहीं है यार। वो तो क्या बेहतर हुआ अभी सारे गाइस, यहाँ पे सारे में पानी चल रहा था अभी झरना, वो देखो आप वहाँ पे चल रहा है ना, वो देखो उस जगह, तो सारा पानी यहाँ से निकलता पूरा, देखो पहाड़ नीचे आ रहा है कैसे निकलता हूँ, तो वहाँ पे फिर अलग मज़ा आता। और देखो हमारे ड्राइवर साहब, हमारे विकास भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, जाने के लिए पूरी पूरी तैयारी है। तो देखो भाई यहाँ का व्यू देख लो आप एक बार से, ओके नंबर, सामने हरा भरा हो रहा है एकदम, क्या नेचर लग रहा है भाई एक नंबर। लेकिन गर्मी भी ऐसी दे रही है, ये हरा भरा दिख रहा है ना, उतना हरा भरा नहीं है, बहुत गर्मी छोड़ रहा है भाई। और सामने का व्यू बहुत कांटाप हो रहा है, रैंडम लोकेशन हो रही है, और यहाँ से निराश होकर हम जाते हुए गाइस क्या करें। आइए तो बड़ी धूमधाम के साथ थे, बहुत एक्साइटमेंट था साथ में कि हाँ भाई चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बट ऐसा कुछ रहा नहीं है यार। और अभी जा रहे हैं हम, बांधो कह रहा है, बांधो कह रहा है।